हेलो दोस्तों, मैं कौशिक वर्मा, हिंदी वाइस यूट्यूब चैनल में दिल्ली सल्तनत के इस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप भी इस सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं हमारे चैनल हिंदी वाइस को सब्सक्राइब करके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि संस्थापक हैं खिलजी वंश के। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने खिलजी वंश की स्थापना किस प्रकार हुआ था उसको देखे थे, और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल माना जाता है 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक। 6 वर्ष का इनका महत्वपूर्ण शासनकाल माना जाता है दिल्ली सल्तनत में। इसकी राजधानी थी किलो खरी। जलालुद्दीन खिलजी की राजधानी थी किलो खरी। देखिए, इसमें विशेष यह है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक था। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था मंगोल आक्रमण, और आक्रमणकर्ता थे उलुम खां, जो कि पोता है चंगेज खां के। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था मंगोल आक्रमण, आक्रमणकर्ता थे उलुम खां, जो कि पोता है चंगेज खां के। जो उलुम खां परास्त हुआ था अब्दुल्ला के नेतृत्व में। जलालुद्दीन खिलजी की ओर से इस आक्रमण का नेतृत्व किया था अब्दुल्ला ने, और चंगेज खां के पोते उलुम खां को परास्त किया था। और इसी में से लगभग 400 मुसलमान यहीं रहकर इस्लाम धर्म स्वीकार किया, भारत में ही रहकर इस्लाम धर्म स्वीकार किया, और यही नवीन मुसलमान कहलाए। दिल्ली सल्तनत में नवीन मुसलमान इन्हीं को कहा गया, और जिस स्थान पर यह बसे भारत में उसे मंगोलपुरी कहा गया। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण करता थे उलुम खां, जो कि पोता है चंगेज खां के। यह परास्त हुआ था अब्दुल्ला के द्वारा, जो कि नेतृत्व कर रहे थे जलालुद्दीन खिलजी की ओर से। और इन्हीं में उलुम खां के ही सैनिकों में से लगभग 400 मंगोलों ने रहकर इस्लाम धर्म स्वीकार किया, भारत में ही रहकर इस्लाम धर्म स्वीकार किया, और यही दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नवीन मुसलमान कहलाए, और जिस स्थान पर यह बसे भारत में उसे मंगोलपुरी कहा गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। देखिए, जलालुद्दीन ने अपने पुत्रों को उपाधि दिया था खान खाना, अरकली खान और कद्र खान। ये सब उपाधि जलालुद्दीन खिलजी ने अपने पुत्रों को दिया था। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापना कराया गया था दीवान ये वुकूफ का, जिसका उद्देश्य था आय व्यय की जांच करना। दीवान ये वुकूफ का निर्माण कराया गया था, जिसका उद्देश्य था आय व्यय की जांच करना। फिर नेक्स्ट देखते हैं। बारह सौ नब्बे में कड़ा के सूबेदार हैं मलिक धन्नू, या इसी को मलिक, कुछ कुछ बुक में आपको मलिक धनजू भी नाम पढ़ने को मिलेगा। तो 1290 में कड़ा के सूबेदार हैं मलिक धन्नू, इन्होंने विद्रोह किया था, और इसके विद्रोह को जलालुद्दीन खिलजी ने दबाया था और उसे माफ कर दिया था। फिर 1291 में हुआ था रणथंभौर अभियान, जिसमें वह असफल रहे थे। उसके बाद देखते हैं। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने विद्रोहियों के प्रति कहा था कि मैं वृद्ध मुसलमान हूं, और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। यह कथन जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया था कि मैं वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। यह कथन विद्रोहियों के प्रति जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। उसके बाद देखते हैं। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी का गुलाम व दमान था अलालुद्दीन खिलजी। अलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का गुलाम व दमान था। इसे गवर्नर बनाया गया था कड़ा व मानिकपुर का, और यही अलालुद्दीन खिलजी आगे जाकर जलालुद्दीन खिलजी का हत्या करते हैं और स्वयं शासक बनते हैं। तो इस पार्ट में हम लोगों ने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा, और आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।